अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? तो अच्छा जी, आज का जो स्पेशल ब्लॉग है ये नोबिशा खान, उनका उनका आज हैप्पी बर्थडे है, तो स्पेशल क्रमलिंग उनके लिए है और आज का ब्लॉग भी उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं टेक्सचर्स, अपने साथ साथ ब्लॉग बनाते हैं और टेक्सचर्स अपडेट करते हैं, ठीक है। ये प्योर सैंड है, ये रिव्यू सीमेंट है। रिव्यू सीमेंट में सोच रही हूँ कि मैं शुरू करूँ सीरीज़ का पार्ट वन तो शुरू करूँ, अभी तक ऐसे ही लटका हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू कर देंगे। कल भी वैसे मैं बनाने लगी थी ना, धूप भी बहुत ज़्यादा थी और कल मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये है मेरी ब्लैक डर्ट, इसके अंदर ना सीमेंट ऐड किया था वो, तो पता नहीं कैसे इतना जैसे ग्रिटी टाइप सा हो गया हुआ है, ये लगता ही नहीं है कि डर्ट वाला टेक्सचर है। इससे पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, पता नहीं सीमेंट ज़्यादा डल गया या मिक्स नहीं हुआ सही वो। ऐसे ही लग रहा जैसे कोई सैंड वाला टेक्सचर है, डस्ट इसकी खो ही गई है कहीं अंदर, देखें ये लग रही है डस्ट। सीमेंट डाला था लेकिन मैं नहीं था पता ये होना है, ये देखें ये नीचे से लग रहा है कि डस्ट है, ये चेक करें, मतलब कि ये वो टेक्सचर है और वेट से भी लग रहा है जिस तरह ये है ना। क्या कहते हैं, सीरीज शुरू तो फिर मैं सोची थी क्योंकि इसने सूखने में टाइम भी लेना है, चंक्स निकले हैं वही निकल रख देते हैं क्योंकि वो दोनों ही कम है। इस तरह का ही बन गया ना, इसकी तो शेप निकल सकती है कोई, चलो यहाँ पर क्रम्बलिंग करते हैं।
अब ये साथ वाली औरत अपने बच्चों को आवाज दे रही है, अब इन्होंने उठ के वो चीज खाना डालना है। देखा सोए हुए उनको उठा रही है, सोने तो थोड़ी देर और, संडे ही है, इंजॉय करने दो। चलो वहाँ चलते हैं ब्लैक कंक्रीट की तरफ। यहाँ पर देखें चलो नुबिशा को यहाँ पर विश करते हैं, फिर मैंने कहा वीडियो बना लूँ, फिर बच्चे उनके बहुत शोर करते हैं। चलो नुबिशा खुश रहें, आबाद रहें, आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, अल्लाह ताला खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको कामयाब करे, तीनों दुनिया की भलाई अता फरमाए। अच्छा इतना टेक्सचर है उसमें, क्या है, किस चीज का? अच्छा इसको भी निकाल दो कहीं, फिर बाल्टी काम आ जाती, निकाल दो इसको, देख लेंगे बाद में कौन सा है। जम गया ऊपर, यहाँ पर है ग्रेनी टेक्सचर, उसने इसकी वीडियो बनाई थी, यकीनन अंदर इसके अच्छे से चंक्स होंगे। ओए होए मंदिर काफी सारा जमा हुआ है, उसको फिर निकाल लेंगे अगर निकल गया तो। चलो आगे चलते हैं, ये देखेंगे मेरा कितना जबरदस्त वाला टेक्सचर है, इसको हम ना उसमें टप में क्रम्बल करेंगे अभी, ये खिलाना देखते हैं यहाँ कितना पड़ा है। ग्रेटी टेक्सचर की मैंने वीडियो बनाई है, इतना बिखरा हुआ था, इसको पहले थोड़ा सा क्लीन करते हैं। Thank you.
स्टैंड मेरा फिर से नया लेने वाला हुआ है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मेरा स्टैंड टूट जाता है। हाँ, यहाँ पहले थोड़ी ग्रमलिंग कर लेते हैं। क्ले पॉट में भी की थी, फ्लोर में फिलहाल फ्लोर में ही करते हैं। पहले करेंगे स्मैशिंग। ओके ठीक है, मैं व्यवस्थित करती हूँ ब्लॉग को, फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिए, मट क्रम्बल नहीं की, चलें एक और ब्लॉग बनाना फिर कर लेंगे। ओके फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।